स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाते हैं। चलो रेसिपीज देखते हैं। आज ना हम ना वो ना स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज, मिल्क और चीनी, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और ये हम अफ्तार में भी पी सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो बनाते हैं, अब हम बटन को प्रेस करेंगे। अब हमारा शेक रेडी है। अब हम ना इसको ना ग्लास में डालेंगे। हमारा शेक रेडी हो गया, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये तो बहुत मजे का है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। Friends, I'm Abbas and you're watching Ramzan with Abbas and we're making a Korean. Let's get started. These are the ingredients. First, I'm gonna add in imli paste. It is made up of imli, water, sugar, chaat masala, salt, and katai powder. Now I'm adding onions. Boiled potatoes. Tomatoes. Green chutney, it is made of minced coriander and green chili. Next up, I'm adding yogurt and pakoria. Now mix it well. My iftar menu is ready. Assalamualaikum friends, we're making creamy dates. Let's start making. We have to open up the date and separate the seed. Now we will add in milk and cream.
It's ready. Now let's eat it. It's very yummy. You should try it too. आपको पता है कि आपके मामा ने चिकन पकौड़े बनाया है? Yay! I love chicken pakoda! चलो बॉस मिलके चिकन पकौड़े खाते हैं। Let's go, पापा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। इसके लिए हमें चाहिए सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, रेड चिली चंक्स, विनेगर, ग्राम फ्लावर और चिकन। अभी सबको मिक्स करके एक बाउल में डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है। ये थोड़ा थिक होगा ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह कवर हो जाए। अब हम इस मिक्सचर से बॉइल्ड चिकन की कोटिंग करेंगे। अब ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे। कोशिश करें ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें। हमारा चिकन पकौड़ा रेडी है। यम्मी। अब अब्बास आपको टेस्ट करके बताएगा। यम्मी। I love this recipe. Please tell me how is it. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग होममेड आइस क्रीम। वी नीड शुगर, क्रीम, मिल्क एंड ब्रेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। Cut off the edges from the bread and add it in the blender. Now we're gonna add the rest of the ingredients. 5 tablespoons of sugar. 10 almonds. And last is coconut powder. Blend, blend, blend. Don't forget to cover it with foil. Foil makes it really soft. Let it freeze overnight. And serve. Thank you.
This recipe is delicious. Don't forget to try it. Let me know how.